नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं जौहर आपका दोस्त। मैं अपने चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान में आपके लिए लेकर आता हूं झारखंड के सुदूर इलाकों से जड़ी बूटियों का खजाना। दोस्तों आज मैं आपको एक परिचित औषधि से परिचय कराने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सदाबहार का पौधा जो आप देख रहे हैं। हाँ, मैं इसी के विषय में आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसके गुण आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसे सदा सुहागन भी कहते हैं। यह हमेशा फूलों से भरा रहता है और सालों भर इसमें फूल लगे रहते हैं। यह प्रायः दो प्रकार की देखी जाती है, सफ़ेद और थोड़ी हल्की गुलाबी, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ थोड़ी हल्की गुलाबी। एक और लाल रंग की यानी गुलाबी रंग की होती है जो बहुत रेयर केस में मिलती है। दोस्तों आइए चलते हैं इसके कुछ औषधीय गुण के बारे में जानकारी लेते हैं। यह मधुमेह रोग, शुगर रोग में बहुत ही फायदेमंद है। यदि हम इसके पंचांग का यानी जड़, तना, पत्ता, फल, फूल का पाउडर बना लेते हैं यानी सुखा कर चूर्ण बना लेते हैं, तो इसका प्रयोग 1 से 2 ग्राम की मात्रा में यदि करते हैं तो हमारा शुगर लेवल कम होता है और शुगर में ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई है। सदाबहार के पुष्पों को सुखाकर चूर्ण बना लें और इसके 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ लें तो ये भी हमारे शुगर लेवल को कम करता है। इसका एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग हमारे शास्त्रों में वर्णित है और आज मेडिकल साइंस ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि यह अर्बुद यानी कैंसर रोगों में भी बहुत ही लाभकारी है। इस कैंसर में इसके मूल के चूर्ण को यानी इसके जड़ के चूर्ण को प्रयोग करते हैं। कर्कट अर्बुद यानी कैंसर के गांठ तथा रक्त अर्बुद यानी ब्लड कैंसर में चिकित्सकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसके मूल का चूर्ण बनाकर हम प्रयोग करते हैं तो कैंसर जैसे असाध्य रोगों में भी हमें लाभ होता है। दोस्तों इसी तरह मेरे वीडियो एवं मेरे चैनल आयुर्वेद जड़ी बूटी ज्ञान के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।